सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल अनलिमिटेड ज्ञान को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पे ताकि आप पास के मेरी वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है काश और आप देख रहे हैं अनलिमिटेड ज्ञान। और आज इस वीडियो में मैं आपको LIC के एक ऐसे प्लान के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको जो पेंशन मिलेगी वो होगी टैक्स फ्री, मतलब कि उस पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा और ये आपकी बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगी टैक्स से अंडर द सेक्शन 1010D। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जीवन निधि प्लान के बारे में, जिसमें मैंने जो कि एक पेंशन प्लान है LIC का, लेकिन उसमें जो आपको पेंशन मिलती है वो होगी टैक्सेबल। तो उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें एक ऐसे प्लान के बारे में बताएं जिसमें हमें पेंशन मिलती रहे और वो पेंशन हो टैक्स से एग्जेम्प्ट। तो इसीलिए मैं आज एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको पेंशन भी मिलेगी और साथ के साथ आप अपना टैक्स भी सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो होगा एक इंट्रो। इंट्रो में मैं आपको बताऊंगा एजेंट्स ऐसा क्या करते हैं कि आपको जो टैक्सेबल पेंशन है वो मिलती है टैक्स से एग्जेम्प्ट। तो उसके बाद और एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा जिसमें मैं आपको एक PDF फाइल दिखाऊंगा और उस PDF से आप वर्किंग आसानी से समझ सकते हैं कि ये पूरा काम कैसे करेगा। तो अब बात आती है प्लान्स की। तो LIC में अगर आपको पता हो तो LIC में एंडोमेंट प्लान्स होते हैं। एंडोमेंट प्लान्स के अंदर जैसे कि एग्जांपल के लिए जीवन आनंद, जीवन लाभ और जीवन अक्षय, जीवन लक्ष्य, इस तरह के बहुत सारे प्लान्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें में से ये कुछ प्लान्स मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अगर बात करें इसमें प्रीमियम की, तो इसमें जो आप प्रीमियम पे करते हैं उसकी डिडक्शन आप ले सकते हैं इनकम टैक्स में, मतलब उसका टैक्स आपको नहीं पे करना होता। उसके बाद जो मैच्योरिटी होती है वो भी इसमें एग्जम्प्ट होती है, मैच्योरिटी के लिए आपको इसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ बात करें अगर पेंशन प्लान की, पेंशन प्लान में आता है जीवन अक्षय और जीवन निधि, इन दोनों प्लान में है, तो उस प्रीमियम की तो आप डिडक्शन ले सकते हैं आसानी से इनकम टैक्स में, लेकिन जो मैच्योरिटी पे आपको जो एक तरह से पेंशन मिलती है उसका आप डिडक्शन नहीं ले सकते। तो जो मैच्योरिटी इसमें आपको मिलती है वो होती है टैक्सेबल। इसीलिए LIC एजेंट आपको नॉर्मल पेंशन प्लान ना देके एंडोमेंट्स प्लान देते हैं ताकि आप अपना टैक्स को सेव कर सकें। तो आइए मैं अब आप डिटेल में बताता हूं कि तो इसमें जो LIC एजेंट्स है वो आपको प्लान कॉम्बिनेशन देते हैं। प्लान कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आपको 10, 15, 20 पॉलिसी एंडोमेंट प्लान्स की दे दी जाती हैं, जिसमें आपको मैच्योरिटी भी एग्जेम्प्ट होती है और साथ के साथ जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो भी एग्जेम्प्ट होती है और कस्टमर के अकॉर्डिंग एक ये पेंशन प्लान बना दिया जाता है। तो मान लेते हैं किसी की एज है 40 ईयर की और वो पेंशन स्टार्ट करना चाहता है जब वो 61 ईयर्स का हो जाए, मतलब 61 साल की उसकी एज हो जाए, और वो चाहता है कि 75 साल तक वो पेंशन रिसीव करता रहे। तो अगर बात करें प्रीमियम की, तो वो 20 साल तक अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करना चाहता है और पेंशन वो 15 साल तक के लिए अपनी पॉलिसी में लेना चाहते हैं। तो ये मैं एक आप एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ ये पूरा प्लान कैसे मतलब आपको LIC एजेंट देते हैं। तो इसमें अगर समय श्योर लेते हैं तो वो हम 30 लाख का समय श्योर, तो इसमें जो एजेंट है वो आपको एक पेंशन प्लान ना देकर वो क्या करेगा, वो आपको 30 लाख के लिए 15 पॉलिसी एंडोमेंट्स प्लान की दे देगा जो कि 2-2 लाख रुपए की होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं 30 लाख का आपका जो है समय श्योर मतलब बीमा बन जाएगा। तो ये 15 पॉलिसी है जो एंडोमेंट्स प्लान है, ये जब जब मैच्योरिटी होती रहेगी इसमें ये आपको पेंशन की तरह अमाउंट आपको मिलता रहेगा और इसमें आपको मैच्योरिटी और पेंशन दोनों एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि 15 पॉलिसी है आपके, 15 साल तक की आपकी पेंशन का प्लान मिलता रहेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगी कि अब मैंने 15 पॉलिसी लिख दी है, तो जो एजेंट है फर्स्ट पॉलिसी आपको देगा उसमें फर्स्ट पॉलिसी की टर्म देगा 21 साल के लिए। 21 साल बाद जब इसकी मैच्योरिटी होगी, तो जब जो पॉलिसी होल्डर है तो उसकी एज हो जाएगी 61 ईयर्स की। इसका मतलब जब वो 61 साल का होगा उस मैच्योरिटी हो जाएगी एक पॉलिसी की, जब वो 22 साल का बाद 62 साल का हो जाएगा तो उसकी दूसरी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, जब वो 23 साल बाद 63 इयर्स का हो जाएगा उसकी थर्ड पॉलिसी मैच्योर होगी, ऐसे करते करते जब वो 35 साल बाद 75 साल का हो जाएगा तो उसकी सभी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और इसमें आपको मैच्योरिटी पर कोई भी पेंशन मतलब आपको ये अमाउंट है जो पेंशन की तरह 15 साल तक आपको अमाउंट मिलता रहेगा और इस पे आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए अब मैं आपको एक PDF फाइल दिखा रहा हूँ, मतलब जो कि मैंने एक एंड्रॉयड ऐप लीडर से क्रिएट की है जो कि पेंशन रिटायरमेंट के लिए हैप्पी रिटायरमेंट प्लान जिसे आप कह सकते हैं। तो इसमें मैंने वही जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल में एज लेके बताई थी 40 ईयर्स की, वो ली है। उसके बाद एंडोमेंट प्लान मैंने इसमें प्लान नंबर 814 लिया है जिसका नाम है न्यू एंडोमेंट प्लान। उसके थ्रू मैं आपको प्लान कॉम्बिनेशन बना
लगा के दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो टोटल सम इंश्योर्ड हुआ वो हुआ 30 लाख का, मतलब कि हमें 15 पॉलिसी ले रखी है जो कि होगी 2-2 लाख रुपए की प्लान नंबर 814 में। उसके बाद अगर टर्म देखते हैं तो 35 साल की आपकी टर्म होगी और 35 साल के लिए आपको प्रीमियम पे करना होगा और उसको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी जब वो 61 साल का हो जाएगा तब से लेके जब वो 75 साल का होगा तब तक। और अगर उसके बाद प्रीमियम देखे तो उसका 1 साल का यहाँ पे प्रीमियम दिखा रहे हैं और जब पहले साल का प्रीमियम होगा वो होगा इतना अमाउंट का और जो उसके बाद जो आपका अमाउंट जाएगा वो जाएगा 1,17,791 रुपये। तो इस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम का। उसके बाद अगर और डिटेल देखें इस प्लान की तो इसमें सबसे पहले ईयर लिखा हुआ है, एज ली हुई है और प्रीमियम नेचुरल डेथ पे आपको कितना अमाउंट मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ पे आपकी फैमिली को कितना अमाउंट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न दी हुई है कि आपको आपकी पेंशन का अमाउंट कितना मिलेगा। उसके बाद कैश फ्लो दिया हुआ है, मतलब कि आपको कितना प्रीमियम पे किया जाएगा या कितना आपका कैश मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे सरेंडर वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे लोन का अमाउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करें उसकी एज है 40 इयर्स की, तो जब तक वो होगा 60 इयर्स का तो उसको प्रीमियम पे करना होता है। तो अगर हम देखें रिटर्न्स की तो ये रिटर्न्स जीरो दिखा रहे हैं और कैश फ्लो में दिखा रहे हैं आपका जो प्रीमियम है वो। तो इसका मतलब कैश फ्लो माइनस का मतलब हुआ कि आपको इतना प्रीमियम 1 साल का इसमें पे करना है। तो जब वो 40 इयर्स का होगा उसको पे करना होगा 1,20,382, जब वो 41 इयर्स का होगा तो उसको पे करना पड़ेगा 1,17,791 और ये अमाउंट उसको पे करता रहना है जब तक कि वो 60 साल का होता है। तो ये उसने अमाउंट 60 साल तक का जब हुआ वो पे किया, आप यहाँ पे दे सकते हैं उसकी एज 60 साल दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो उसने पे किया है वो प्रीमियम पे करता जा रहा है। जब वो 61 साल का हो जाएगा तो उसके पास जो अमाउंट मिलेगा उसको मिलेगा 3,13,835 रुपये का, जिसमें से आपका ये अमाउंट जो आपकी किस्त का है वो डिडक्ट कर दिया गया है। टोटल आपकी मैच्योरिटी होगी जो एक पॉलिसी की, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 15 पॉलिसी इसमें दी जाएगी और वो एक एक करके मैच्योरिटी उनकी मिलती रहेगी। तो अब मैं एक बार आपको 15 पॉलिसी दिखा देता हूँ वो कौन सी हैं। तो जो फर्स्ट पॉलिसी होगी उसमें 21 साल के लिए पॉलिसी दी गई होगी आपको, तो 40 साल का तो वो था ही और उसमें हम 21 साल और ऐड कर दें तो 61 साल हो जाते हैं, तो उसकी मैच्योरिटी का अमाउंट आपको मिलता है 4,21,600। उसके बाद ये दूसरी पॉलिसी मैच्योरिटी होगी दूसरी पॉलिसी की, इसमें आपको अमाउंट मिलेगा 4,41,200। उसके बाद तीसरी पॉलिसी मैच्योर होगी, उसके बाद चौथी पॉलिसी मैच्योर होगी, इसी तरीके से आपकी 15 की 15 पॉलिसी मैच्योर होगी और इसमें से आपका प्रीमियम कटता रहेगा और आपको मिलता रहेगा अमाउंट। तो अगर हम इसी में देखें तो टोटल आपकी मैच्योरिटी हुई थी 4,21,600 रुपये की, इसमें से आपका प्रीमियम काट लिया जाएगा। प्रीमियम यहाँ पे ये अमाउंट नहीं काटा जाएगा क्योंकि इसमें से आपकी एक पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है। तो इस प्लान जैसे कि आपका देख पा रहे हैं तो इसमें आपका 1,17,791 प्रीमियम था, लेकिन ये आपका था 15 पॉलिसी का प्रीमियम। तो इसमें से आपकी एक पॉलिसी तो यहाँ पे मैच्योर हो चुकी है, तो अब इसमें से आपकी 14 पॉलिसी का प्रीमियम काट लिया जाएगा। तो जो 4,21,000 है इसमें से हमें 14 पॉलिसी का प्रीमियम माइनस कर देते हैं तो आपको ये अमाउंट मिलेगा जब आप 61 साल के हो जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड पॉलिसी होगी जिसकी टर्म हमने 22 साल दी होगी, वो पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी और अब हमारी रह जाएगी 13 पॉलिसी जो मैच्योर नहीं हुई है। तो हमें 13 पॉलिसी का अगर प्रीमियम काट दें तो उसके बाद हमें ये अमाउंट मिलेगा जब हम जो पॉलिसी होल्डर है वो 62 साल का हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड पॉलिसी होगी वो इसी तरह से थर्ड पॉलिसी मैच्योर होगी और उसमें से 12 पॉलिसी जो आपकी रह गई उनका प्रीमियम काट के इतना अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और जब आपकी 15वीं मतलब 15th पॉलिसी मैच्योर होगी वो आपका पूरा अमाउंट मिलेगा, क्योंकि जब आपकी 15 पॉलिसी मैच्योर होगी तो आपकी कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं रहेगी जो आपकी कंटिन्यू हो। तो इसी तरीके से ये तो हुई बात रिटर्न की, कि आपको एक बार फिर से दिखा दूँ तो जब 61 साल का होगा तो उसको पैसा मिलना स्टार्ट होगा और जब वो 75 साल का हो जाएगा तब तक उसको पैसा मिलता रहेगा और उसका 35 साल का इंश्योरेंस चलता रहेगा। अगर बात करें बीच में उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है और उसके साथ डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे हर साल अमाउंट दिया हुआ है कि उसकी फैमिली को कितना अमाउंट मिलेगा नेचुरल डेथ पे और एक्सीडेंटल डेथ पे उसकी फैमिली को कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं 50 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से
तो उसकी फैमिली को यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है वो अमाउंट मिलेगा नेचुरल डेथ पे, और ये जो अमाउंट है वो मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ से। और अगर पॉलिसी होल्डर को मान लेते हैं कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है या पॉलिसी के प्रीमियम पे नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे आप साथ के साथ सरेंडर वैल्यू और लोन की वैल्यू भी देख सकते हैं कि आपको ये अमाउंट कितना मिलेगा। अगर मान लेते हैं अगर वो 50 साल का होने के बाद लोन लेना चाहे इस पॉलिसी पर, तो वो इस अमाउंट का लोन आप ले सकते हैं उस अपनी पॉलिसी पर। और अगर आप अपनी पॉलिसी नहीं चला पा रहे हैं तो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके ये अमाउंट आप उस पर ले सकते हैं। तो यही है प्लान कॉम्बिनेशन। प्लान कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ एक पेंशन प्लान की जगह एक प्लान कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है, वो भी होता है एंडोमेंट्स प्लान का। एंडोमेंट्स प्लान्स का कॉम्बिनेशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि एंडोमेंट्स प्लान्स में जो आपको मैच्योरिटी होती है वो टैक्स फ्री होती है और वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है। तो यही कारण है कि लोग पेंशन प्लान ना लेके जो टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो एक प्लान कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। और ये प्लान कॉम्बिनेशन आप प्लान नंबर 814, 815, 833 कोई भी आप ले सकते हैं, जिससे आप एक अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं अपनी रिटायरमेंट का। तो अगर आपको इस बारे में कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जल्दी से जल्दी आपको मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नई नई वो वीडियोज़ पाते रहें।